हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 के अंदर जो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हुआ था उसका काट ऑफ मार्क्स के ऊपर पेपर वन का काट ऑफ मार्क्स दे दिया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जाकर प्लीज़ सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही नोटिफिकेशन वाला वीडियो और जॉब रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 के अंदर उसका पेपर वन का जो काट ऑफ मार्क्स है वो हम लोग एक बार देखते हैं। तो पेपर वन का जो काट ऑफ मार्क्स है वो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए एससी के लिए है 101.70 और कैंडिडेट्स पास हुआ है 843 टोटल नंबर ऑफ। इसके बाद एसटी के लिए है 102.61 और कैंडिडेट्स अवेलेबल 434। इसके बाद ओबीसी के लिए है 115.93 और कैंडिडेट्स अवेलेबल 1719। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए है 112.28 और कैंडिडेट अवेलेबल 824। यूआर मतलब जनरल के लिए काट ऑफ है 123.52 एंड कैंडिडेट अवेलेबल इज़ 860। ओएच के लिए है काट ऑफ मार्क्स 92% के आसपास और एचएच के लिए भी 55% के आसपास। इसके बाद ये मेरा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो होगा वो रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मेरा काट ऑफ मार्क्स और मैकेनिकल के लिए काट ऑफ मार्क्स एससी के लिए हुआ है 140, कैंडिडेट्स अवेलेबल 148, एसटी के लिए 135.88 एंड कैंडिडेट्स अवेलेबल 74, ओबीसी के लिए 153.26, कैंडिडेट अवेलेबल 348, ईडब्ल्यूएस के लिए 151, कैंडिडेट अवेलेबल 158 एंड जनरल के लिए 157.47, कैंडिडेट अवेलेबल ओनली 181। तो यहाँ से क्लियरली हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि दिन पे दिन जो एसएससी का कंपटीशन है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले सिविल में इतना कंपटीशन नहीं होता था मगर अभी सिविल का काट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होने जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जैसे हो रहा था या होना होने वाला था वैसा ही। तो आशा करते हैं आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा ही चल रहा है और प्रिपरेशन को मस्त पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन को मस्त करते रहिए, नहीं तो एसएससी क्लियर करना भी दिक्कत का कारण हो सकता है। तो अच्छा से पढ़ते रहिए, अच्छा से डाउट्स क्लियर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।